Assalamu alaikum guys, welcome to my YouTube channel. This is Asfiya Sheet and you guys are studying cyber security here. तो आज हम अपने मॉड्यूल 1 का पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं. जैसे कि आप लोगों ने देखा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने काफ़ी सारे पार्ट्स में कवर किया, बट आज आपको ये जानकर खुशी होगी कि पार्ट 3 हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे इंशाल्लाह. और फिर नेक्स्ट हम कल पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स गो टू द लेसन. एंड यहाँ मैं एक रिक्वेस्ट आपसे ये करना चाहूँगी कि काइंडली अपने नोट्स प्लीज़ बनाइए, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये कोर्स टफ होता जा रहा है. तो हम यहाँ से शुरू करते हैं अपना पार्ट 3. मॉड्यूल 1 का पार्ट 3 हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हम सिनेरियोस देखेंगे कुछ. सो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सिक्योरिटी ब्रीचेस बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल. तो अटैकर्स, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अटैकर्स कोशिश करते रहते हैं जब तक कि वो सक्सीड नहीं हो जाते. वो तब तक कोशिश करते रहते हैं आपके कंप्यूटर में एंटर होने का और आपका जो भी डेटा है उसको हैक करने में. तो यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं एक होटल की, जो एक वेल नोन रिनाउंस्ड होटल है और काफ़ी बड़ी चेन है उसकी. वर्ल्ड के डिफरेंट जगहों पे वो मौजूद है. उसका डेटा ब्रीच हुआ था. इट्स अ फिक्शनल सिनेरियो, ओके. तो उसका डेटा ब्रीच होता है और हैकर्स को क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन मिलती है कि इसकी 3 मिलियन से ज़्यादा गेस्ट की. अच्छा, होटल ने फिर ये डिस्कवर किया और होटल को ये पता चला कि वो किसी एम्प्लॉई के लॉगिन क्रेडेंशियल्स के थ्रू जो है वो डेटाबेस तक पहुँचे हैं, कस्टमर के डेटाबेस तक पहुँचे हैं. और होटल इस चीज़ पे ये बिलीव कर रहा था कि इनके पास सिर्फ जो है वो गेस्ट का डेटा गया है और कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं गई हैं. होटल ने ये भी किया कि जो उनके रीसेंट गेस्ट थे जो उनके पास उस वक्त मौजूद थे, उन सबसे कहा कि आप वेब पोर्टल पर जाके देखें कि आपको किसी तरीके से ब्रीच ने अफेक्ट तो नहीं किया है, जिससे वो बच चुके थे. बट 3 मिलियन से ज़्यादा गेस्ट का पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी हो चुका था. उनके नेम्स, उनके नंबर्स, उनकी ईमेल्स, ये सब चोरी हो चुकी थी. इसी तरह अगर हम सेकंड स्नैरियो देखें तो ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो बहुत प्राइम टारगेट बन गए हैं अटैकर्स के लिए उनको हैक करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स वगैरह का, यानी हाउसवाइफ्स हो गई या जो भी ई लर्निंग करना चाहता है उनके, क्योंकि एक साइड हसल है ये, तो लोग इस पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं. तो उनके लिए एक अट्रैक्शन बन गई है कि वहाँ से उनको बहुत अच्छी अमाउंट ऑफ डेटा मिल सकती है. जिस तरह होटल के साथ हुआ, उसी तरह एक वेल नोन ऑनलाइन ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म के साथ भी यही हुआ कि उनकी, क्योंकि उनके स्टूडेंट्स में माइनर्स भी इंक्लूडेड थे, वो जो कोर्सेज करना चाहते थे, जो एक साइड हसल करना चाहते थे, वो उनका डेटा पब्लिकली एक्सेसिबल हो गया और उनका डेटा लीक हो गया. हैकर्स के पास जब सारा डेटा चला गया तो उनके पास ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के फुल नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, स्कूल इनरोलमेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को रिक्वायर्ड थी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, उनके पास, हैकर्स के पास सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चली गई. वैसे तो ये क्लियर नहीं है कि किस लिए हैकर्स ने ये डेटा ऑब्टेन किया, क्योंकि स्टूडेंट से वो क्या ही करवा लेगा. तो जो अज्यूम किया जाता है वो ये है कि वो उनको इंडिविजुअली पर्सनली अटैक करेगा या फिशिंग ईमेल के थ्रू कॉन्टैक्ट करेगा या उनके कंप्यूटर सिस्टम में किसी किस्म का मालवेयर इंस्टॉल कर देगा. सो व्हाट एक्सप्लॉइट्स, हैकर्स आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ अनसिक्योर्ड क्लाउड डेटाबेस लेफ्ट एक्सपोज्ड ऑन द इंटरनेट. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ पुअर सिक्योरिटी प्रैक्टिस. कहने का मकसद यहाँ ये है कि अगर सिक्योरिटी थोड़ी टफ हो तो हैकर्स इतने आराम से इतने बड़े बड़े होटल्स और इतनी वेल नोन रेपुटेबल इंस्टीट्यूशंस का डेटा लीक नहीं कर सकता. अच्छा, लेट्स गो बैक टू द सिनेरियोस. ठीक है, हर ऑर्गेनाइजेशन पे ही साइबर अटैक्स किए जाते हैं और एवरी ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक एप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ. ठीक है, अगर वो खुद ही प्रिकॉशंस नहीं लेती अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, अपनी इंफॉर्मेशन प्रोटेक्ट करने की, या उसने वो जोन जो सिक्योरिटी जोन है उसको बस ऐसे ही छोड़ा हुआ है, तो फिर तो पॉसिबल है कि आपके कस्टमर्स का डेटा लीक हो सकता है.
अब ये आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये जो दो सिक्योरिटी ब्रीचेस के एग्जांपल मैंने आपको दी है, इनको क्या मेजर्स इस तरह के, क्या इस तरह की चीज़ें नेक्स्ट स्टेप्स लेने चाहिए कि जो इनके साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था? मतलब क्या उनको स्टेप्स इस तरह के लेने चाहिए थे कि ये जो चीज़ उनके साथ हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी? तो हम पढ़ते हैं की टेक अवेज, ठीक है. अ सिक्योरिटी ब्रीच इज डिफाइंड एज एन इंसिडेंट दैट अलाउज अनऑथराइज्ड एक्सेस टू डेटा, एप्लीकेशन, सर्विसेज और डिवाइसेज एक्सपोजिंग प्राइवेट इंफॉर्मेशन दैट अटैकर्स कैन यूज फॉर फाइनेंशियल गेन और अदर एडवांटेजेस. लेकिन कुछ ऐसे तरीके हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं और आप नेक्स्ट विक्टिम बनने से बच सकते हैं, क्योंकि जो कॉमन साइबर थ्रेट्स हैं अगर आप उनसे भी अवेयर हो ना तो वो भी बहुत है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा लोग जो अटैकर्स यूज़ करते हैं वो काइंड ऑफ सेम ही होते हैं, बहुत ही कम होता है जो यूनिक अटैक होता है. लेकिन बेसिकली जो कॉमन अटैक्स हैं एटलीस्ट वो तो आपको पता होना चाहिए ताकि आप उनसे बच सको. तो जैसा कि आपको मैंने अभी पहले ही बताया कि हर ऑर्गेनाइजेशन पर ही अटैकर्स जो अटैक कर रहे होते हैं, और ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस को अपना साइबर सिक्योरिटी प्लान जो है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, जिससे वो इस तरह के जो कॉमन ब्रीचेस हैं, जो कॉमन अटैक्स हैं, उनसे वो बच सकें. आज की वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ, और मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में ये इजाफा ज़रूर करूँगी कि अब आहिस्ता आहिस्ता वीडियोज़ थोड़ी टफ होती जाएंगी, चीज़ें थोड़ी टफ होती जाएंगी. जो स्क्रैच से मेरे साथ हैं और जिन्होंने मुझे स्टार्टिंग से ज्वाइन किया है उनको थोड़ा सा चीज़ें प्रॉपरली कैच करनी पड़ेंगी, क्योंकि थोड़ी सी टर्म्स थोड़ी टफ होती जा रही हैं, थोड़े जागन्स यूज़ होंगे. तो लेकिन एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी प्रॉपर, ताकि आपसे कुछ मिस आउट ना हो. और ये मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, आप चीज़ें अपने पास अगर नोट कर रहे हो तो उसको टाइमली रिवाइज करो डेली बेसिस पे, ताकि आपके दिमाग से कोई बात निकले ना और आप कोई चीज़ ये कोर्स करते करते भूलो ना. क्योंकि देखिए, फिज़िकल क्लासेस नहीं है जिसमें मैं आपका एग्ज़ाम ले सकूँ, आपसे क्वेश्चन कर सकूँ. तो ये है कि आपने डेली बेसिस पर रिवाइज़ करना है, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा स्किल है जिसके अंदर आप बहुत अच्छे टाइम पर आ गए हो. आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़.